कैपेसिटेंस बेटा इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू स्टोर द चार्ज कैपेसिटेंस किसी बॉडी की वो एबिलिटी है जिससे बॉडी चार्ज को स्टोर करती है. मतलब अगर कोई दो बच्चे हैं जो दोनों एक एक घंटा पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहां पे चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर एक बच्चे ने उस एक घंटे के टाइम में उतना एफर्ट्स में ज्यादा क्वेश्चन किया एज कंपेयर टू बी बच्चा, अगर ए ने 10 क्वेश्चन किया, बी ने उसी टाइम में अगर 5 क्वेश्चन किया, तो ए की एबिलिटी बी से ज्यादा है, ये इसका कहने का मतलब है. तो इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू स्टोर द चार्ज. फराडे ने इसी चीज को आगे बढ़ा सकता, फराडे लॉ की बात कर सकते, फराडे लॉ, और इसने समझाया, इसने कहा बेटा इट स्टेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन ए बॉडी, डिफरेंस अप्लाइड ऑन ए कंडक्टर, ऑन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर ऑन इट, ये रहा. किसी भी कंडक्टर बॉडी के, अब हमें यहां कंडक्टर की ही बात कर रही, ठीक है ना, इसको हमें समझना, हम किसी दूसरे बॉडी की बात ही कर रहे हैं, हम यहां कंडक्टर बॉडी की बात कर रहे हैं. कि किसी भी, फराडे ने कहा कि अगर कोई भी कंडक्टर बॉडी है तो उस पर तुम जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतनी ही ज्यादा उस पर चार्ज की वैल्यू स्टोर होगी, ये इसका मतलब, ठीक है. एक एक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं यहां पे बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर ऑन इट, ये इसका मतलब. वी प्रोपोर्शनल टू क्यू को हम चाहे तो क्यू प्रोपोर्शनल टू वी भी लिख सकते, मतलब जितना ज्यादा चार्ज किसी बॉडी में दिख रहा है इसका मतलब उसमें पोटेंशियल ज्यादा है. और फिर हम कहते हैं क्यू इज इक्वल टू जो हो जाएगा सी इन टू वी, वेयर एक प्रोपोर्शन टाइप, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस, सी इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस, ये रहा इसका मतलब. अब देखो इसे फायदा क्या, इससे फायदा ये हो कि हम इसकी बात कर सकते हैं, सी को हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन वी के, इसकी ऐसा यूनिट जो होगी बेटा वो हो जाएगा कूलम, चार्ज को कूलम में, पोटेंशियल को डिफरेंस को वोल्ट में, कूलम पर वोल्ट, इसी को हम कहते हैं फैराडे. ये फैराडे बहुत बड़ी यूनिट से बेटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना. तो इसकी ऐसा यूनिट फैराडे होगी, लेकिन अगर इसकी कुछ अदर यूनिट्स की बात अगर करेंगे तो इससे छोटे यूनिट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वो होता है जैसे 1 माइक्रो फैराड 10^-6 फैराड, 1 पीको फैराड 10^-12 फैराड, 1 नैनो फैराड या मिली फैराड की कोई बात करता है 10^-3 फैराड, और ऐसे ही हम ये कहेंगे यहां पे अगर 1 पीको फैराड है, नैनो फैराड अगर लिखना हो तो 10^-9 फैराड, ठीक है. ये नया बच्चा जो ज्वाइन किया है वो कौन है भाई, मयंक, वीडियो ऑन करो अपना, चलो सर लेफ्ट हो गया. अच्छा यहां देखो, तो ये है नैनो, ये हो जाएगा मिली, ऐसे हम बात कर सकते हैं. ये हमारे कुछ अलग अलग यूनिट्स है जिसके बारे में हम देख सकते हैं, ठीक है ना. और वैसे देखो ना दूसरी बात, इस प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जो भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे Q और V का, वो ग्राफ ऐसा होगा सिंपल स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जो इंक्लाइन होगा यानी कि जो भी इसका एंगल यहाँ पे थीटा होगा, देखो C को हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ Q वर्सेस V ग्राफ, यानी कि हम ये कह सकते हैं जब भी ग्राफिकली हमें देखना होगा तो C को हम स्लोप यानी कि tan थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते, ये काम आप कर सकते हो यहां से बड़े आराम से, ठीक है.
ये चीज आपको देखते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। हमने कहा जब भी स्लोप होगा, मैंने कहा ना अभी पीछे हमने कहा कि सी को हम टैन थीटा से लिख सकते हैं और सी बेटा स्लोप पर प्रेजेंट है। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन आपसे ये कुछ पूछ सकता है, कोई को बताओ ये दो बॉडी है ए है और बी है, वन मार्क क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। ए और बी में ये क्यू वर्सेस वी का ग्राफ है, आपको बताना है कि हमने कहा क्या विच बॉडी हैव लार्जर कैपेसिटेंस, किस बॉडी की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। आप कहोगे सी और सी में से किसके ज्यादा होगी, तो हम यहाँ पे कहेंगे जब इसको सॉल्व करना होगा हमें अच्छे से पता है कि सी जो होता है वो टैन थीटा के इक्वल है, कैपेसिटेंस स्लोप के इक्वल, स्लोप ऑफ क्यू वर्सेस वी ग्राफ के इक्वल, अभी जो पीछे लिखा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका अगर हम एंगल कैलकुलेट करेंगे यहां से तो ये हो जाएगा थीटा ए और ये हो जाएगा थीटा बी। यानी कि हम लिख सकते हैं सी ए का मतलब होता है टैन थीटा ए से और सी बी का मतलब हो जाएगा टैन थीटा बी से। इसका मतलब यह है कि हम बड़े आराम से कह सकते हैं यहाँ पे कि थीटा ए की वैल्यू चूंकि बड़ी है थीटा बी से, इसलिए टैन थीटा ए की वैल्यू बड़ी हो जाएगी टैन थीटा बी से, यानी कि ए की कैपेसिटेंस बड़ी हो जाएगी बी से, ए जो होगा उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा, यानी कि लिखेंगे बॉडी ए हैव लार्ज कैपेसिटेंस, इस ग्राफ से हम देख करके बात कर सकते। दूसरी बात जो होगी उसको कैसे लिख किया जाए, सेकेंड क्वेश्चन यहां से देखो। दूसरा क्वेश्चन एंगल के बेसिस से बन सकता है, क्वेश्चन नंबर टू आपसे कोई ये कह सकता है कि दो बॉडी और यहाँ पे एंगल दे रखा है, इसका एंगल यहाँ से 30 है, इसका एंगल यहाँ से 30, ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, ये क्यू है और ये वी है, और आपसे कोई कह रहे कि बताओ फाइंड करो फाइंड सी ए अपॉन सी बी की वैल्यू क्या होगी, सी ए अपॉन सी बी कैपेसिटेंस ऑफ ए अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी। हम देखो इसको कैसे डील कर सकते हैं, हम ये कहेंगे देखो एंगल हमें यहां से देखना पड़ेगा, ये है 60 डिग्री, चूंकि ये 30 है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे सी ए का मतलब है टैन थीटा ए और टैन थीटा ए का मतलब हो गया, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बता दूंगा, ये हो जाएगा टैन थीटा ए का मतलब 60 डिग्री और सी बी की वैल्यू हो जाएगा टैन थीटा बी, यानी कि ये हो जाएगा टैन 30 डिग्री। अब डिवाइड करो सी ए अपॉन सी बी को लिख सकते हैं यहाँ पे टैन 60 अपॉन टैन 30। अब ऐसा ना हो कि तुम गलती से टैन से टैन काट करके 60 और 30 काट करके टूरिस्ट वाले, बिल्कुल नहीं, वैल्यू रखो इसका बेटा रूट थ्री, ये हो जाएगा 1/√3, इसको सॉल्व कर लो ये हो जाएगा 3/1, ये हो जाएगा सी ए अपॉन सी बी। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफिकली अगर हमसे कैपेसिटेंस के बारे में कोई बात करना चाहता है तो। क्यू अपॉन वी के कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो के ऊपर, लेकिन इंटरेस्टिंग ये बात है कि सी जो है इज इंडिपेंडेंट टू क्यू एंड वी, मतलब पोटेंशियल और चार्ज पे किसी बॉडी की कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब क्यू और वी का ग्राफ प्लॉट किया था फराडे ने सिर्फ यही कहा था कि अगर V की वैल्यू बढ़ाओगे तो Q की वैल्यू बढ़ेगी, ये रिलेशन। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसका कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा तो आपको मैं बता दूं कि उसका कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, उसकी कैपेसिटेंस C की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, चाहे चार्ज को डबल करो चाहे ट्रिपल करो। यही चीज हमें यहाँ पे समझना है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करता, मतलब सी जो होता है इंडिपेंडेंट टू क्यू एंड वी होता है, ना तो चार्ज पे डिपेंड करेगा ना पोटेंशियल डिपेंड करेगा। मतलब आप पोटेंशियल को डबल करो चार्ज डबल होगा, पोटेंशियल को हाफ करो चार्ज की वैल्यू हाफ होगी, पोटेंशियल को तीन गुना करो चार्ज की वैल्यू 3 times होगी। कैपेसिटेंस से इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि क्यू और वी प्रोपोर्शन। अब फिर हमें यह समझना है कि यार फॉर्मूला तो कुछ और दिख रहा था भाई, फॉर्मूला तो ये कह रहा है कि बस वो ये कहे सिवान से कि बेटा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, सिवान ने ध्यान से देखा और फिर किसी ने कहा कि चार्ज को डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा, तो चित्ते ही बोल देगा कि सर चार्ज को डबल करेंगे कैपेसिटेंस डबल होगा, बिल्कुल नहीं। ये ध्यान रखना है कि ये नॉन यूनिवर्सल लॉ है, इसलिए सी की वैल्यू जो है ना तो क्यू पे डिपेंड करती है ना वी पे डिपेंड करती है। तो सी डिपेंड किस पे करता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन देखो किस पे, पहला शेप एंड साइज,
दूसरा होता है मीडियम पे, मीडियम, और तीसरा होता है बेटा कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन एंड ओरिएंटेशन, एंड ओरिएंटेशन इस पे डिपेंड करता है। ये अगर हमें किसी बॉडी की कैपेसिटेंस के बारे में कमेंट करना है तो कैपेसिटेंस शेप और साइज पे, कैपेसिटेंस मीडियम पे, और कैपेसिटेंस जो है वो देखो कॉन्फिगरेशन एंड ओरिएंटेशन पे करेंगे। याद रखो वर्किंग रूल, बस ये दो लाइन ध्यान रखो जिससे तुम किसी भी बॉडी के कैपेसिटेंस निकाल सकते। वर्किंग रूल टू डिटरमाइन, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की आप कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, इसको सॉल्व करने का या इस डेरिवेशन का निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसको समझना। पहला होता है बेटा स्टेप वन, सबसे पहला ये काम करोगे आप फाइंड करो, फाइंड वी, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वी इन टर्म्स ऑफ क्यू। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था कि क्लास में मुझे बताना है आपको कि किस बच्चे को फिजिक्स ज्यादा आती है, तो झांजी ने कहा कि सर मैं सबसे पहले पूछूंगी कि फिजिक्स में नंबर किसका है ज्यादा है, फिजिक्स में नंबर, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ क्यू। और जैसे ये निकल जाएगा सिंपल सी बात है आप कहोगे कि उसके बाद वी है, अगला फॉर्मूला एक ही होता है बेटा, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। जो आपने v की वैल्यू q के टर्म में कैलकुलेट किया था उससे डिवाइड कर दो, जिसका ज्यादा वैल्यू का यही c निकल जाएगा, इससे बेटा कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होगा। ये वर्किंग रूल है जिसको ध्यान रखना है, और इसी से हम किसी भी बॉडी की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल कहता एप्लीकेशन कैसे करेंगे उसको देखा जाए, पहले इसको नोट कर लिया जाए बेटा। आप लोग पहला जो है बेटा वो है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देखो आइसोलेटेड मतलब अकेला, एक ऐसा कंडक्टर जो अकेला है उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर। अब ये कंडक्टर ये रहा बेटा, इसका रेडियस r है और इस पे चार्ज q है बेटा, ये रहा, ठीक है, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ध्यान रखना पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब याद रखो क्या करना, पहले स्टेटमेंट, लेट ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r हैविंग चार्ज q, रेडियस r है उस पर चार्ज क्यूब है, इसकी बात करें। अब इसे क्या होगा, ये हमारे पास ये स्टेटमेंट्स को लिखना है, बस इतना ही काम। अब हमने कहा था कि जब भी किसी बॉडी की कैपेसिटेंस निकालनी होगी आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अब देखो क्या होगा, गौरव के दिमाग में बात आएगी कि अरे सर पोटेंशियल डिफरेंस में दो चाहिए, यहां तो एक ही बॉडी है तो डिफरेंस कैसे निकाले, क्यों ना पोटेंशियल निकाल के काम चलाना। बिल्कुल नहीं, काम नहीं चलाना, इधर काम करना है, चलाना नहीं है बेटा। वर्किंग रूल का पहला स्टेप, वर्किंग रूल मैंने यह समझाया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर जिसकी हम बात, जहां पे चार्ज है, एंड इनफाइनाइट इंफिनिटी, यानी कि v की वैल्यू हो जाएगी v सरफेस माइनस इंफिनिटी, ये तो जीरो होता है, और सरफेस की पोटेंशियल हो जाएगी V is equal to Vs K Q divide by R, मतलब सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q upon R के। अब देखो ये जो मैंने लिखा ना, ये मैंने गौरव को समझाने के लिए, गौरव तो सीधा कह सकता है पोटेंशियल की वैल्यू और बीच का ये टर्म्स गायब करके सीधे लिख सकते उठा K Q divide by R और ये इसकी वैल्यू। और मैंने कहा ना कि जैसे इस वर्किंग रूल यही था कि जैसे v की वैल्यू q के टर्म में आ गई ना, अब आपको इंतजार नहीं करना, आप सीधी बात करेंगे v है, हमें पता है, क्या पता है जी, c is equal to q upon v होता है, रखो इसको q और v का मतलब 1/4 pi epsilon naught q upon r, इससे इसको कैंसिल कर दो, c is equal to 4 pi epsilon naught into r, ये
ये है कैपेसिटेंस का, ये हम सुन। तो ऐसे हम किसी भी बॉडी की कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। चलो नोट कर इसको जरा, तो डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर हुज रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। अब ऐसा है कि ये क्वेश्चन दक्ष के दिमाग में आ सकता है कि सर आपने रेडियस ऑफ अर्थ की क्यों बात करी, उसे डबल क्यों लिया। तो मैं ये कहूंगा कि देख, जो इसका घर है ना, उसका 36 का आंकड़ा है, और जो इसने छत को आगे बढ़ा बढ़ा करके जो कैप्चर किया है वो सब इलीगल है, और साइंस में इलीगल को हम कंसिडर नहीं करते। मतलब तेरे छत का जो एरिया होगा तुम्हारे मकान के एरिया से बड़ा नहीं हो सकता। और अगर तूने कहा कि नहीं सर मैंने 3-3 फुट छज्जा बढ़ा करके छत लगा दिया है, तो उसको हम इलीगल कहते हैं, साइंस उसको एक्सेप्ट नहीं करता। समझ में आ गई बात? तो हमें अर्थ पे खड़ा होकर के अर्थ से बड़ी बॉडी के बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहां देखो, अब ऐसे केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और आर की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब 6.4 × 10⁶ मीटर, अरे 6400 किलोमीटर होता है, इसको मीटर में चेंज कर दो और फिर इसकी वैल्यू रखो। अब हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁹ होती है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 × 10⁹ होगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, रेडियस दे रखा है, रखो इसको सॉल्व कर लो, 1/9 × 10⁹ 6.4 × 10⁶, सॉल्व कर इसको बेटा, ये हो जाएगा 0.711 × 10⁻³ फैराड। अब जरा सोच के देख, हमने सबसे बड़ी बॉडी सोची और उसकी भी कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 से कम है, तो इसलिए मैंने कहा था फैराडे बहुत बड़ी यूनिट्स है, इसीलिए हम फैराड को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि देखो अर्थ के बराबर भी हमने रखा ना, तो 0.71 मिली फैराड आ गया, मतलब सी इज इक्वल टू 711 माइक्रो फैराड। अगर तुम एक कंडक्टर इमेजिन करते हो जिसका रेडियस अर्थ के रेडियस के बराबर है, तो उसकी भी कैपेसिटेंस 1 फैराडे से कम है, ये दिखाता है कि फैराडे कितनी बड़ी यूनिट होता है। इसलिए हम फिजिक्स में छोटी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और ये इसकी वैल्यू जाए कि हम ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी कंडक्टर का रेडियस अगर ऐसा दे रखा है जिसका रेडियस इसके बराबर है, तो उसकी कैपेसिटेंस निकाली जा सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए।